गैब्रियल और उनके हस्बैंड कैब में बैठ के एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और रास्ते में दोनों कोई छोटी सी फालतू सी बिना मतलब की बात पे लड़े जा रहे थे। दोनों में से कोई भी जन उस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं। बाद में कोई दम था नहीं, इतनी सी बात होगी कि तूने टॉवल क्यों बेड पे रख दिया और जूते क्यों जगह से नहीं रखे, व्हाटएवर। बट इतनी फालतू सी बात पे वो लोग इतनी देर से बहस करे जा रहे थे और दोनों में से कोई भी छोड़ने को रेडी नहीं, मुझे ही जीतना है। और ये लड़ाई का सिलसिला ना आज का नहीं था, काफी टाइम हो गया था। गैबी ने नोट किया कि इतने टाइम से हम दोनों हर छोटी छोटी बात पे इतना बहस करने लगते हैं, मतलब लेट गो करना ही नहीं है, बस दोनों में से मैं सही हूँ करके प्रूव करना है। उन लोगों को अपने आपस के रिलेशन का, प्यार का कोई मतलब नहीं, बस जीतना है, अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। और ये सिचुएशन में गैबी ने सोचा कि वो भी जीतना तो चाहती थी, शी वॉन्टेड टू बी राइट, बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी हैप्पी, और उन्हें लग रहा था कि उनके रिलेशनशिप की हैप्पीनेस ना कहीं खो रही है। तो इमीडिएटली गैबी ने क्या किया, उसी टाइम पे मन में सोचा और प्रे किया एक्चुअली कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर रीऑर्गेनाइजिंग दिस सिचुएशन, थैंक यू मुझे सिचुएशन सही नजरिए से दिखाने के लिए, थैंक यू कि मैं अपना ईगो साइड में रख के हमेशा अपने रिलेशन के लिए पहले सोचती हूँ, थैंक यू कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों प्रेम से ही कॉन्वर्सेशन करते हैं, प्रेम से ही बात करते हैं। ऐसे उन्होंने मन में सोचा, प्रे किया, एंड देन वो सिचुएशन जाने दी के छोड़ो यार, अभी बहस करने से मतलब नहीं, अपनी मीटिंग खराब होगी, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब फटाफट से दोनों ने अपनी मीटिंग खत्म की, बिल्डिंग से बाहर आने के लिए वो लोग लिफ्ट में घुसे और मीटिंग थी कोई 20th फ्लोर पे, उनको जाना था ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। बाहर पार्किंग में लिफ्ट में घुसे, दोनों वेट कर रहे थे, ठीक है, लिफ्ट एक एक फ्लोर नीचे जा रही है, एकदम से लिफ्ट रुक गई और उन्होंने देखा कि 0 लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे ही रुकी है। लेकिन उन लोगों ने 2 सेकंड वेट किया, लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला, उनको लगा शिट कि लिफ्ट अटक गई है शायद, और थोड़ी देर वेट किया बट द डोर डिडंट ओपन। और गैबी जो है टेंशन में आ गई, खुद के लिए तो आई ही बट उससे ज्यादा उनको अपने हस्बैंड की टेंशन हो गई, क्योंकि उनके हस्बैंड क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी ऐसा फोबिया कि कोई इंसान को एक बंद जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है या फिर बाहर की जगह दिखती नहीं है या विंडोज डोर्स नहीं है, मतलब एक बंद जगह होना, वहां पे ऐसा फील होता है, घुटन जैसा महसूस होता है कि आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। तो ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक थे उनके हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड के लिए उनको टेंशन हो गई। मीनवाइल दोनों एकदम परेशान हो गए, एकदम गर्मी लगने लग गई अंदर, 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं एक बंद लिफ्ट में। उन लोगों ने वो इमरजेंसी कॉल का होता है ना, उससे जो लिफ्ट मैनेजर थे उससे बात भी करी और उन्होंने बोला कि रिपेयरमैन को हमने बुलाया ही है, वो फटाफट आ रहा है, लेकिन उनको पता है कि फटाफट आने का मतलब भी आधा घंटा निकल सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे 10 मिनट हुए और एकदम से गैबी को थॉट आया कि मेरे हस्बैंड अब पैनिक करने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू फ्रीक आउट बिकॉज ऑब्वियसली इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, वो बहुत परेशान हो जाएंगे और पता नहीं चिल्लाने लगेंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो। सो इमिजिएटली उन्होंने, उनको ये थॉट आया कि आज सुबह ही कार में मैंने प्रे किया था ना कि मैं मेरे रिलेशनशिप को हैप्पी और बेटर बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मौका है, लेट्स डू वन थिंग, ऐसी चीज़ें करते हैं जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो गैबी ने इमिजिएटली उनके हस्बैंड के बालों में हाथ फेरना स्टार्ट कर दिया, उनको जो पसंद है ना ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया कि हम किचन में कैसे फर्नीचर कराएंगे, मॉड्यूलर करवाएंगे, कौन से कलर का करवाएंगे। वो उनके कान के साथ खेल रही थी, ये छोटी छोटी चीज़ें उनके हस्बैंड को बहुत पसंद थी। तो इससे हुआ क्या कि उनके हस्बैंड का फोकस, उनके हस्बैंड का ध्यान गैबी की बातों में, गैबी के एक्शंस में जाने लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पसंद है उनको। एंड देखते ही देखते 20 और मिनट निकल गए, लेकिन गैबी के हस्बैंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। क्लॉस्ट्रोफोबिया में इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ही मे शाउट, ही मे डू अदर वायलेंट स्टफ ऑल्सो, बिकॉज उनको बस वहां से बाहर निकलना है। लेकिन गैबी के हस्बैंड जो थे, ही वाज वेरी मच एट पीस, रिलैक्स्ड एकदम। ये सब सिलसिला तो चालू था, लेकिन देखते ही देखते 45 मिनट्स निकल गए। गैबी ने तुरंत आंखें बंद करके बोला, यूनिवर्स आई नीड योर हेल्प नाउ, वी आर रेडी टू गेट आउट ऑफ हियर, ऐसा कमांड दिया यूनिवर्स को। और 2 मिनट के अंदर अंदर उनको बाहर कुछ आवाजें आने लगी लिफ्ट के गेट के बाहर, उनको पता चल गया कि ठीक है रिपेयरमैन आ गया है, वो कुछ कर रहा है। 5 मिनट के अंदर अंदर वो रिपेयरमैन ने लिफ्ट का गेट खोल दिया, पता चला लिफ्ट एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में अटक गई थी। वो लोग इमीडिएटली अपना सामान लेके फटाफट बाहर निकले एंड तुरंत गैबी के हस्बैंड ने टाइम देखा कि कितनी देर हो गई, और टाइम हुआ था 1:11।
गैबी को देखते ही रियलाइज हो गया कि ये एक यूनिवर्स का साइन है। हम भले 45 मिनट इस लिफ्ट में फंस गए ऐसे सिचुएशन में जहाँ उनके हस्बैंड क्लॉस्ट्रोफोबिक है, गर्मी लग रही है, लेकिन ये जो ऑब्स्टेकल था, ये जो प्रॉब्लम थी, वो एक्चुअली ना एक जरिया था उनके रिलेशनशिप को बेटर करने का। क्योंकि बाहर आके ये हुआ कि गैबी के हस्बैंड को भी रियलाइज हुआ कि गैबी ने मुझे किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मेरा साथ दिया। मेरा ध्यान उस पे ना जाए कि हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं, इसीलिए इतनी चीजें करी जो मुझे पसंद है। एंड व्हाट डू आई डू, उनको रियलाइज हुआ कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट पुटिंग मोर एफर्ट्स इनटू माय रिलेशनशिप। मुझे छोटी छोटी चीजें जाने देनी चाहिए, अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए और गैबी के साथ मेरे रिलेशनशिप को बेटर करना चाहिए। ये रियलाइजेशन उनको भी बाहर आते ही हुआ और गैबी को भी पता चला कि आज सुबह ही मैंने यूनिवर्स को बोला था कि प्लीज रिऑर्गेनाइज करो चीजों को, ठीक करो कि हम एक दूसरे से प्रेम से बात करें, प्रेम से इंटरेक्ट करें, अच्छाई देखें एक दूसरे की, ईगो को साइड में रख के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए काम करें। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो ऑब्स्टेकल था, वो एक्चुअली यूनिवर्स का एक हेल्प था। यूनिवर्स ने एक प्लेटफॉर्म दिया था जिस पे चढ़ के आप खुद उस चीज को रिऑर्गेनाइज कर सकते थे। ये स्टोरी है फ्रॉम द बुक द यूनिवर्स हैज योर बैक बाय गैब्रियल बर्नस्टीन। ये स्टोरी सुनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमें लगता है सत्यानाश है, मतलब क्या कर दिया यूनिवर्स ने। चाहे वो ये हो सकता है कि आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और इमिजिएटली COVID-19 आ गया, या फिर ये हो सकता है कि आपने इतने साल मेहनत करके कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन में ऑडिशन दिया और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हुए। बट आप नहीं जानते कि फ्यूचर में कैसी सिचुएशंस अनफोल्ड होने वाली है, आप नहीं जानते कि यूनिवर्स ने या भगवान ने वो सिचुएशन दी क्यों है आपको लाइफ में, वंडर क्रिएट करने के लिए या ब्लंडर। चॉइस हमारे पास होती है, सिचुएशंस जो आती है हमारी लाइफ में उसमें से हम कुछ वंडर क्रिएट करते हैं या उसका ब्लंडर बना देते हैं, उसकी चॉइस हमारे पास है। वो लिफ्ट में हो सकता था कि गैबी और उनके हस्बैंड कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े, ठीक है, पुरानी पुरानी बातें निकाल के, बट गैबी ने प्रे किया यूनिवर्स को तो यूनिवर्स ने उनको ये सिचुएशन दी और गाइडेंस दिया, इंट्यूशन दिया जरूरत के टाइम पे कि तुम ये एक्शन लो, तुम ऐसी चीजें करो जो उनको पसंद है, नहीं तो ही विल फ्रीक आउट। तो हमें लाइफ के सिचुएशंस में पैनिक हुए बिना, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े बिना, हमें ये सोचना है कि ये सिचुएशन भगवान ने एक्चुअली हमें दी क्यों है, इसमें से हम क्या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे करियर्स में। वो बोलते हैं ना कि लाइफ इज 10% व्हाट इट हैपेंस टू यू एंड 90% व्हाट यू मेक ऑफ इट और हाउ यू रिएक्ट टू इट और हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन की तरफ आपका रिस्पॉन्स किस तरीके का रहता है ना, उस पर डिटरमाइन होगा कि आप उस सिचुएशन में से कुछ सीख रहे हो या फिर परेशान होके बाहर आ रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसो, इमिजिएटली याद करना यूनिवर्स को और उनको प्रे करना कि रीऑर्गेनाइज दिस सिचुएशन फॉर मी, ये वाली सिचुएशन में अभी मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा रीअरेंज करो, फिर हो सकता है और वो सिचुएशन बिगड़ जाए। लेकिन फिर सोचना कि उस सिचुएशन में से भगवान या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है सही डायरेक्शन की तरफ। ये जो स्टोरी मैंने सुनाई उसका टॉपिक था कि ऑब्स्टेकल्स आर एक्चुअली डिटोर्स ऑन द राइट पाथ। डिटोर्स यानी आप कोई गलत पाथ पे अगर जा रहे थे तो सही डायरेक्शन में आपको गाइड करने के लिए, आपको वो धक्का लगाने के लिए सही डायरेक्शन में ये ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं कभी कभी। उनको समझो, उनमें पॉजिटिव देखने की कोशिश करो। और ये चीज़ होगी कैसे, प्रे करने से एंड ग्रेटफुल रहने से। सो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।